और बालको, आज का दिन बड़े ही मजेदार होने वाला है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ श्वसन के बारे में। अभी तक आपने सीखा था, पिछली क्लास तक हमने सीखा था कि भाई ऊर्जा कैसे उत्पन्न, मतलब भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, कौन कौन से हमारे पास तरीके होते हैं। बट आज हम सीखेंगे उन भोजन से जो है ऊर्जा में स्थानांतरण कैसे करेंगे। तो देखो, श्वसन की परिभाषा लिखिएगा, एक बार लिखिएगा और समझिएगा। श्वसन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिससे भोजन से ऊर्जा, भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता हो, उस प्रक्रिया को बोलते हैं श्वसन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, श्वसन वह प्रक्रिया है जिससे हम भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब हमारे पास श्वसन जो है दो तरीके से होता है। अब उससे पहले समझते हैं कैसे ऊर्जा में स्थानांतरित होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो भाई हमारे शरीर में क्या होता है, हम खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट कर पचाने के बाद उसको रक्त में प्रवाहित कर देते हैं। इसके अलावा साथ में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो खाने के साथ जो है वो अभिक्रिया करता है, उपचयन अभिक्रिया करता है। अब ये उपचयन अभिक्रिया क्या है, अभी नहीं समझना आपको। उपचयन अभिक्रिया होता है जब भी किसी के साथ ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ने के बाद जो है उपचयन अभिक्रिया होता है, और उपचयन होने के बाद जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। और ये सारी की सारी प्रक्रियाएं हमारे शरीर में कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे श्वसन। तो अब भाई दुनिया में जो अगर बात करें, श्वसन दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है, बोलते हैं कि भाई वायवीय श्वसन, दूसरा बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय मतलब कि भाई ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो, और ऐसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में हो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अब यहाँ वायु से हमारा तात्पर्य है ऑक्सीजन का, कि मतलब अगर हमें खाने के साथ साथ ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे उस प्रक्रिया को बोलेंगे वायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि हमने वायु की उपस्थिति देखा है जहां। और अगर वायु की अनुपस्थिति हो, ऑक्सीजन हो ही ना, तो अगर खाना ऊर्जा में स्थानांतरित हो तो हम उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। अब बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि खाना जो है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी वो कन्वर्ट हो जाए ऊर्जा में? तो बच्चों पॉसिबल है, पॉसिबल है, लेकिन ऊर्जा जो है बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं भाई, श्वसन की परिभाषा आपको बताया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम भोजन को ऊर्जा में स्थानांतरित करते हैं उसको बोलते हैं श्वसन। दो प्रकार के श्वसन बताया, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। एक बार हम उसको फ्लो चार्ट से समझते हैं, फिर उसके बाद दोनों में अंतर बताऊंगा। एग्जाम में अंतर भी पूछा जाता है और आपसे ये भी पूछा जाता है श्वसन होता क्या है, उसका फ्लो चार्ट बनाकर दिखाओ। तो फ्लो चार्ट समझते हैं। तो देखो भाई, श्वसन के दौरान हम, श्वसन में क्या करते हैं, हम पहले खाना खाते हैं। अब खाने के अंदर क्या है भैया, ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज है। आपके खाने में ग्लूकोज के अलावा कुछ तो नहीं है? नहीं है भाई। तो हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जिसको याद नहीं है भाई, दिलो दिमाग में बसा लेना, इसको बोलते हैं C6H12O6, इसका नाम होता है ग्लूकोज। तो भाई इस ग्लूकोज को जब हम खाते हैं तो खाने के बाद भाई हमारे कोशिका द्रव्य में जाता है। ये जाएगा कहां? कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में जाने के बाद बच्चों इसका क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है। कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस जो है एक प्रक्रिया होती है। उस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के बाद जो है ये पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। यहां जो होगा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के बाद ये किस में परिवर्तित होगा, बोलिएगा साथ के साथ, रिपीट करिएगा, कहां पर परिवर्तित हो जाएगा, पाइरूवेट कह लो या पाइरूविक अम्ल कह लो। तो भाई यहां पे मैं पाइरूवेट और पाइरूविक अम्ल भी लिख देता हूं, पाइरूवेट, और इसके अलावा इसको पाइरूविक अम्ल भी कहते हैं। साथ में यहां पर हल्का फुल्का आपको ऊर्जा भी उत्पन्न होता हुआ नजर आएगा, हल्का फुल्का ऊर्जा। तो आपसे पूछा जाता है जब MCQs क्वेश्चन आता है कि भाई जो श्वसन अभिक्रिया है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो हमें बोला बताया जाता है पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा जिससे पाइरूवेट और यहाँ पे हल्का फुल्का ऊर्जा भी उत्पन्न होगा। और अब ये प्रक्रिया जो है दोनों में सेम रहेगा, चाहे आपका वायवीय श्वसन हो चाहे अवायवीय श्वसन हो, मतलब वायु की उपस्थिति हो या ना हो, पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म में सब में यही होगा। अब इसके बाद रास्ता डिसाइड होता है कि भाई ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहला केस ले लेते हैं भाई, मान लिया ऑक्सीजन हमें मिलेगा। अगर ऑक्सीजन मिलेगा, यहां पर मैंने बोल दिया भाई ऑक्सीजन है, टिक कर दिया, तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो अभिक्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में।
कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे भाई? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते थे। क्यों कहते थे भाई पावर हाउस ऑफ द सेल, बताना जरा क्यों? क्योंकि भाई वो ऊर्जा उत्पन्न करता था। तो भाई ये आपका अभिक्रिया होगा माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया होने के बाद क्या उत्पन्न कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल भी उत्पन्न करेगा, प्लस में 38 मोल ऑफ एटीपी उत्पन्न करेगा, जिसको हम ऊर्जा कहते हैं। याद रखना 38 मोल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस करेगा। आइला ये इतना ज्यादा ऊर्जा? बिल्कुल बहुत ज्यादा ऊर्जा है। क्यों भाई ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए, हमें हमें काम धंधा ज्यादा करना होता है ना। आप देखो पढ़ रहे हो, दिमाग चला रहे हो, चल फिरते चलते फिरते हो, खेलते कूदते हो, तो उसके लिए आपके शरीर को कार्य को करने के लिए ये ऊर्जा की जरूरत होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारे शरीर में कौन सा श्वसन होता है, तो बोलेंगे वायवीय श्वसन। अवायवीय भी होता है, वो भी दिखाते हैं। ये वायवीय श्वसन है, इसमें 38 मोल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगा। अब उसके बाद भाई ऑक्सीजन अगर ना मिले, अगर ऑक्सीजन कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी, O2 की कमी बिल्कुल ही खत्म नहीं है, O2 की कमी है, तो हमारा जो अभिक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर कहां हो जाएगा? लाला पेशी में हो जाएगा। कहां हो जाएगा? पेशी में, मतलब आपके मसल्स में हो जाएगा। पेशी मतलब मसल्स की बात कर रहे हैं हम। तो भाई पेशी में अभिक्रिया हो जाएगा, और पेशी में अगर अभिक्रिया होगा तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा आपका, आपका लैक्टिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। अब ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण क्या हो जाएगा? आपका शरीर में जो किसी भी बॉडी के किसी भी मसल्स में लैक्टिक अम्ल जब बन जाएगा तो उसके कारण दर्द होना शुरू हो जाता है। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखो क्या होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि मतलब एथलेटिक्स वगैरह है या फिर जिम जिम वगैरह करते हैं, तो वर्कआउट जब अचानक से बहुत ज्यादा हैवी वेट वगैरह उठाने लग जाते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अत्यधिक चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा ऊर्जा चाहिए। बट हमारे जो हम जो ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस लेने की प्रक्रिया है, उससे हमारे शरीर को इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता कि ऊर्जा सप्लाई कर सके। जिस कारण से क्या होता है, जो अभिक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होना था वो माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर कहाँ हो जाता है? पेशी के अंदर, मसल्स के अंदर। आप देखना जब भी आपको हैवी एक्सरसाइज करोगे ना, दर्द कहाँ होता है? मेनली आपको थाई में दर्द होता है, बाजुओं में दर्द होता है, मतलब कि जहां पर मसल ज्यादा है वहीं दर्द होता है। तो कारण यही होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जो है यहां पर क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल बनेगा, और साथ में यहां पर 2 मोल ऑफ एटीपी बनेगा। ऊर्जा यहां भी बनेगा बच्चों, ऐसा नहीं है ऊर्जा यहां नहीं बनेगा, यहां भी बनेगा, लेकिन ऊर्जा यहां इतना कम है कि भाई ये किसी काम का नहीं है, ना के बराबर ऊर्जा। वहां देखो 38 मोल ऑफ एटीपी और यहाँ 2 मोल ऑफ एटीपी। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये जो है हमारी बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है। अब देखो कोई कहता है ये लैक्टिक अम्ल बन गया तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? तो भाई इससे छुटकारा पाने के लिए आप गर्म पानी से नहा लो, या फिर हॉट वाटर से सिकाई कर लो, जहां भी आपको दर्द हो रहा है, जब भी आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग वगैरह करते हो, जब भी मान लो कि अचानक से किसी ने जबरदस्ती एक्सरसाइज वगैरह करवा दिया, बोला कि 4 बार सीढ़ियों पे ऊपर नीचे कर, तो हमारा शरीर जो है उस काबिल नहीं होता है और ये चीज हो जाता है। तो आप उस टाइम पे गर्म पानी से सिकाई कर लोगे, सब झक्कास हो जाएगा, चकाचक चलते रहोगे। अगला जो है भाई आखिरी है, तीसरा जो है इसका टाइप, उसको बोलते हैं भाई उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन गायब हो गया, तो आपका अभिक्रिया जो है ईस्ट के अंदर होगा, हमारे शरीर में नहीं होता ये अभिक्रिया। याद रखना ये अभिक्रिया हमारे शरीर में नहीं होगा, ये अभिक्रिया ईस्ट के अंदर होगा। ईस्ट, हाँ वही ईस्ट जो आप समझ रहे हो, जो केक वगैरह में डालते हैं उसको स्पंजी बनाने के लिए, उसी ईस्ट की बात कर रहे हैं। और इस ईस्ट के अंदर जब अभिक्रिया होता है तो यहां बनेगा इथेनॉल, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 मोल ऑफ एटीपी, ये बनेगा भाई उत्पाद। याद रखना क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 मोल ऑफ एटीपी बन जाएगा। तो भाई ये जो है आपका, ये भी यहां भी बोलोगे भाई बहुत कम ऊर्जा, हाँ बिल्कुल कम ऊर्जा है। इस प्रक्रिया को हम कहाँ यूज करते हैं? शराब बनाने की प्रक्रिया के लिए। शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो याद रखना शराब बनाने के लिए कौन सी अभिक्रिया होगी? एनारोबिक अभिक्रिया, मतलब अवायवीय श्वसन। तो ये जो है अवायवीय श्वसन है,
और ये वाला वायवीय श्वसन, ये दोनों, इन दोनों को, ये जो दोनों है इन दोनों को बोलोगे अवायवीय श्वसन, ये जो है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और ये जो है वायवीय श्वसन, हमारे शरीर के अंदर जो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय है, और जो ये दोनों वायु की अनुपस्थिति में या कमी में हो उसको बोलते हैं अवायवीय। तो अब समझना, अंतर पूछा जाता है कि भाई वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए, तो क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन किसको बोलेंगे भाई? ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में हो, वायवीय में बोलेंगे जो वायु की उपस्थिति में हो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जो वायु की अनुपस्थिति में हो उसको बोलेंगे अवायवीय श्वसन। इसके अलावा आपसे बोला जाता है कि भाई हमारे पास जो है ये उसमें वायवीय श्वसन में 38 मोल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होगा, ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वायवीय में, और अवायवीय में बहुत कम ऊर्जा प्रोड्यूस हो रहा है, कितना? 2 मोल ऑफ एटीपी। और इसके अलावा जो वायवीय श्वसन होता है उसके अंदर ग्लूकोज जो है पूरा अच्छे तरीके से टूटता है और किस में परिवर्तित हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में। इसके अलावा जो है अवायवीय में सही ढंग से ग्लूकोज नहीं टूट पाता, क्योंकि देखो यहाँ लैक्टिक अम्ल और इथेनॉल बन गया, इसका कोई काम नहीं है। और इसके अलावा जो है हमारे पास वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और जो अवायवीय श्वसन है वो पेशी और ईस्ट में हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है, तो इन दोनों मतलब इन दोनों के बीच में अंतर भी याद रखना है, और ये फ्लो चार्ट भी याद रखना है। फ्लो चार्ट डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि भाई श्वसन के दौरान क्या क्या होता है, तो आप बोलोगे श्वसन के दौरान सबसे पहले ग्लूकोज में कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित होगा, और उसके बाद जो है अगर ऑक्सीजन मिला तो माइटोकॉन्ड्रिया में अभिक्रिया हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और 38 मोल ऑफ एटीपी। अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमारा बनेगा लैक्टिक अम्ल और 2 मोल ऑफ एटीपी, अगर ऑक्सीजन है ही नहीं तो अभिक्रिया ईस्ट में हो जाएगा, बनेगा इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 2 मोल ऑफ एटीपी। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, शराब बनाने की प्रक्रिया है ये। समझ पाए? ये था भाई श्वसन के बारे में। अब जो है भाई सांस लेने की प्रक्रिया क्या होती है वो समझेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगली सभा में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली सभा में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।